नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल My Tiny Space में। मेरा नाम है गुलशन और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रहती हूं, और जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं देने वाली हूं आपको एक मिनी टूर अपनी ही सिटी फ्रैंकफर्ट का। हमारा ये ब्लॉग उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जो फ्रैंकफर्ट का वन डे का ट्रिप प्लान करते हैं या जिनका फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबा लेओवर होता है। और अभी मैं जो आपको ये अट्रैक्शंस दिखाऊंगी, ये एयरपोर्ट से हार्डली 15 to 20 minutes की दूरी पर हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम अपना मिनी टूर स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मेरे पीछे काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी दिख रही होंगी। फ्रैंकफर्ट की अट्रैक्शन का मेन रीज़न ये भी है, बिकॉज आप यूरोप की दूसरी सिटीज़ में भी विजिट करोगे तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स कम देखने को मिलेंगी। फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ काफ़ी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर भी फ्रैंकफर्ट में ही है, इसी कारण इसको मिनी मैनहट्टन के नाम से जाना जाता है। हाई राइज बिल्डिंग से सीधा निकल के हम यहाँ आ गए हैं लग्जरी स्ट्रीट मार्केट में। यहाँ आपको सारे लग्जरी ही ब्रांड मिलेंगे। आपके पास अच्छा खासा कैश होगा तभी आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरह आप विंडो शॉपिंग ही करेंगे। वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं यहाँ की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट में, जिसका नाम है ज़ाइल। अभी आपको ये ज़ाइल मार्केट काफ़ी खाली खाली सी लग रही होगी, आपको कोई क्राउड नहीं दिख रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ 4 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डेज़ में यहाँ आओ, वीकेंड पे आओ, इवन वीकडे पे भी आओ तो यहाँ काफ़ी क्राउड होता है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा फ्रैंकफर्ट ही एक जगह पर आ गया है। जब भी कभी आप फ्रैंकफर्ट आओ तो मैं तो बोलूँगी कि आप इस मार्केट को पक्का विज़िट करो, बिकॉज ये मार्केट काफ़ी हैपनिंग है। आप यहाँ हर तरह की चीज़ की शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी होती हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस होता है।
5 मिनट की वॉक से ही मैं पहुंच गई हूं यहां के ओल्ड टाउन स्क्वायर में। आपको यहां पे काफ़ी पुरानी ओल्ड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स मिलेगी, उन बिल्डिंग्स पे काफ़ी सुंदर सी कार्विंग की होगी, बहुत सुंदर सी यहां पे आपको स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको यहाँ सराउंडिंग्स में काफ़ी अच्छे चर्चेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको यहाँ की ट्रेडिशनल कॉफ़ी या केक का मज़ा लेना है तो आई थिंक इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। अनदर 5 मिनट की वॉक और मैं पहुंच गई हूं यहां की फेमस माइन रिवर के किनारे। इसी रिवर के नाम पे इस शहर का नाम फ्रैंकफर्ट ऑन माइन पड़ा था, जिसका मतलब है फ्रैंकफर्ट ऑन द माइन रिवर। नॉर्मली यहां काफ़ी अच्छा माहौल होता है, यहां काफ़ी हैपनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग यहां साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं और यहाँ पूरा का पूरा एटमोसफेयर काफ़ी लाइवली रहता है। इस रिवर पे काफ़ी ब्रिजेस बने हैं और उनमें से एक ब्रिज है जिसका नाम है लवलॉक ब्रिज, जो आपको बिल्कुल मेरे पीछे दिख रहा होगा। इस ब्रिज पे लोग अपने नाम से कार्व किए हुए लॉक्स फिक्स करते हैं और उनका ये बिलीफ है कि इससे उनकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी लंबी होगी। टूरिज़म में भले ही फ्रैंकफर्ट इतना फेमस ना हो, बट इस शहर का भी अपना एक चार्म है, अपनी ब्यूटी है, जो आपको हमने अपने इस ब्लॉग के थ्रू दिखाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हमारा ये मिनी टूर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।